गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एयर एंड वाटर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर एक्यूपाइज स्पेस। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर इज एसेंशियल फॉर अस टू लिव। यू मे नॉट बी एबल टू सी एयर बट एयर एग्जिस्ट। एयर एक्यूपाइज स्पेस। एयर जो है वो स्पेस लेता है, ये हमारे चारों ओर है, ये हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। हम इसे देख नहीं सकते बट इसे हम महसूस कर सकते हैं और ये जगह घेरता है। समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप फुल ऑफ बकेट वाटर ले सकते हैं। इसमें एक अगर हम खाली बॉटल जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम इसे सीधा इसके अंदर डालते हैं और जब हम इसे तिरछा करते हैं तो इसमें से बबल्स निकलते हैं। यही बबल जो है वो एयर होता है जो कि इस खाली बॉटल में था। एयर हैज़ वेट। एयर इज़ मेड अप ऑफ मैटर्स दैट देयरफॉर इट हैज़ वेट। एयर जो है वो मैटर से बना होता है इसलिए इसमें वेट होता है। इसे जानने के लिए हम एक एक्टिविटी ये कर सकते हैं कि अगर हम एक बलून लें जिसे हम एयर से फील ना करें, मीन्स उसको हम पहले उसमें न फुलाएं तो हम उसका वेट ले लें और उसमें जब एयर फील कर लेते हैं उसके बाद उसका वेट लें तो हम देखेंगे कि जब हम जिस बलून में हम एयर फील किए हैं उसका वेट इस ब्लैंक वाले बलून से ज़्यादा है। अवर थर्ड टॉपिक इज एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग। एयर सपोर्ट्स बर्निंग। विदाउट एयर फायर गोज ऑफ। एयर जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करता है और इसके बिना एयर जो फायर है वो बुझ जाता है। इसके लिए भी एक यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है जिसमें शो किया गया है कि जब हम एक कैंडल को ऐसे खुले में छोड़ते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से एयर लेकर बर्न कर रहा है और अगर इसे हम एक ग्लास के थ्रू इसे ढक देते हैं तो कुछ समय के बाद ये जो कैंडल है वो बुझ जाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि एयर जो है उसके लिए बर्न के लिए एयर जरूरी है। एयर एग्जर्ट प्रेशर। एयर जो है वो प्रेशर लगाता है। एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज इट हैज़ वेट। एयर प्रेशर इज़ वेरी यूजफुल टू एस। डॉक्टर्स मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर टू फिल अप देयर सिरिंज एंड ड्रॉपर्स। एज यू गो हायर एयर प्रेशर डिक्रीज्ड। एयर में वेट होता है जिसकी वजह से ये प्रेशर लगाते हैं। एयर का जो प्रेशर है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसी का यूज़ करके जो डॉक्टर्स हैं वो अपने सिरिंज को फील करते हैं या उसमें दवाई फील कर सकते हैं। वाटर इज़ ऑल अराउंड अस। वेयर देयर इज़ वाटर देयर इज़ लाइफ। हमारे चारों ओर वाटर है और जहाँ वाटर है वहीं लाइफ है। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट इज़ अबाउट 2 or 3 days। अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। स्टूडेंट्स यू नो वी कांट सर्वाइव। हम बिना वाटर के जिंदा नहीं रह सकते हैं और वाटर जो है हमारे अर्थ का 2/3 कवर किया हुआ है। इम्प्योर वाटर। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है बट व्हेन इट रीच द अर्थ सरफेस एंड फिल द रिवर वेल एक्सेट्रा इट बिकम पॉल्यूटेड। वाटर रेन वाटर जो है वो तो सबसे प्योर फॉर्म है बट वो जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है और रिवर वेल में जब जाता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है। मेनी मटेरियल दैट गेट इनटू वाटर कैन बी हार्मफुल। और उसमें बहुत से मटेरियल होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। वाटर हैज़ अ लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड इन इट। वाटर में बहुत सी इम्प्योरिटी मिली हुई होती हैं। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर मे बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। वो तो या तो वो सॉल्युबल होते हैं उसमें घुले हुए होते हैं या वो नहीं घुल पाते हैं। तो इम्प्योर वाटर कैन बी हार्मफुल एंड मेक अस सिक। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी क्लीन एंड प्योर। जो वो हार्मफुल उसमें जो मटेरियल्स होते हैं जो वाटर हार्मफुल होते हैं वो हमें बीमार कर देते हैं और हमें साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। द वाटर हैज़ टू बी प्योरीफाइड टू मेक इट सुटेबल फॉर यूज़। वाटर प्योरीफाई जो है से सुटेबल करता है। देयर आर डिफरेंट मैथड टू रिमूव सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। और वाटर से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल को निकालने के बहुत सारे मैथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़।
There are the impurities which does not dissolve easily in water, that is sand, gravel, germs, etc. There are different methods to remove these insoluble impurities. First method is sedimentation. Insoluble impurities like mud, etc. being heavy sink and settle at the bottom and get it clean water. This is called sedimentation. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जैसे कि मर्ड, ये जो होते हैं इसकी ये हैवी होते हैं और जब इसे हम वाटर में थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो उसके बॉटम में बैठ जाते हैं और क्लीन वाटर ऊपर आ जाता है जिसे हम निकाल लेते हैं. इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. सेकेंड इज डिकेंटेशन. द क्लीन वाटर अबव मर्ड इज प्योर्ड इन टू अनदर कंटेनर इन सच ऑफ way that the sediment is not disturbed. This is called decantation. Third is filtration. One of the best method of separating impurities is filtration. There are many types of filtration. For example, fine cotton cloth have very fine opening throat with water can pass easily into it, can stop large mud particle. फिल्ट्रेशन मीन्स होता है बच्चों छानना. जैसे कि आप जानते हैं छानने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम एक कॉटन कपड़ा ले लें उसमें से अगर हम वाटर को छाने तो हम देखेंगे कि उसमें से वाटर ईजली पास हो जाता है और जो उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो उसी में रुक जाती है, कपड़े में, कॉटन के कपड़े में रुक जाती है. दस द क्लॉथ फाइबर द वाटर एंड सेपरेट द मड फ्रॉम इट. और इस तरह वाटर से इम्प्योरिटीज़ सेपरेट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम Thus, the process removing insoluble impurities from water by using a filter paper is called filtration. इसी प्रोसेस को अगर हम फिल्टर पेपर के थ्रू करेंगे तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. सेकेंड वन इज रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. अब इम्प्योरिटी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं वो देखते हैं. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर दोज विच आर सॉल्युबल इन वाटर. We can separate soluble impurity by different method. However, they can't be easily removed. Soluble impurities वो impurities होते हैं जो water में घुले होते हैं और इसे भी अलग करने के बहुत से method हैं. इसे अलग करना easy नहीं होता है. तो first type is evaporation. The soluble impurities are removed by heating the water. This is called evaporation. The water evaporate when heated and the impurities are left. The method of evaporation of water in sunlight is done by people living in coastal area to obtain salt from the sea water. Evaporation के हल से ही जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो वाटर सी वाटर से सॉल्ट अलग कर पाते हैं. सेकेंड मैथड इज डिस्टिलाइजेशन. प्योर वाटर कैन बी obtained by distillation. Distillation is done by boiling the water and condensing the water vapor into water again. The water thus obtained is pure water, but it can't be used for drinking. It is only used in car battery, preparation of medicine and science experiments. Sometimes pure water is needed in bulk. For instance, water is needed for the whole city. There are mainly three methods to purify city water. City waters को purify करने के लिए main three methods हैं. First है sedimentation. Water is collected in large tank. Water को पहले large tank में collect किया जाता है. It kept for a few day. Chemicals like alum is added to water which help dirt and insoluble impurities settle down faster. The heavy particles settle down and we can get pure drinking water at the top. जो heavy particles हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हम उससे drinking water ले पाते हैं. Second is filtration. After sedimentation, the water is filtered through clean sand. This remove fine particles and bacteria. After sedimentation के बाद जो water है वो filtrate होता है. Third is chlorination. Water is disinfected with a very small quantity of chlorine gas that killed bacteria. जो water होता है उसमें अगर chlorine gas पास किया जाए तो उसमें से bacteria मर जाते हैं. Drinking water. Water contains many disease germs like bacteria, protozoa and virus. This produce serious disease in human and other animals.
सो वी मस्ट टेक सुटेबल मेजरिंग टू कीप देम आउट ऑफ वाटर. हमें क्लीन वाटर का यूज़ करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम स्टेप टू कीप वाटर क्लीन. फर्स्ट इज, वाटर कैन बी क्लोरिनेटेड टू किल मेनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेकेंड इज, वाटर कैन बी बॉयल टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. वाटर को बॉयल कर लेना चाहिए जिससे वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो जाए. वी कैन यूज़ वाटर फिल्टर टू गेट क्लीन वाटर. और हमें वाटर फिल्टर का यूज़ करना चाहिए. पोटेशियम परमैंगनेट टेबलेट्स आर यूज टू क्लीन वाटर. दिस टेबलेट किल्स द जर्म्स इन वाटर. जो पोटेशियम परमैंगनेट टेबलेट्स आते हैं उसी वाटर को क्लीन करने में यूज़ करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यू ड्रिंक क्लीन वाटर एंड फॉलो द स्टेप टू कीप वाटर क्लीन. थैंक यू स्टूडेंट्स.